Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है, उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is, describe the importance of fruit cultivation in India. Importance of fruit cultivation in India. So India में fruit cultivation की क्या importance है? And the second part of the question is, describe the role of horticulture with respect to poverty elevation and nutritional security So this is today's question. So first part of the question asked was importance of fruit cultivation. Fruit cultivation की क्या importance है India में? और second part of the question is asking कि horticulture का क्या role है in respect to poverty elevation and nutritional security. So these are the two parts of the question which we have to discuss. And you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए. बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास करोगे उतना इम्प्रूव करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ डाटा है आप एज ए इंट्रो लिखने के लिए, क्योंकि जब भी आप ऐसे आंसर लिखो तो कुछ एक दो लाइन का इंट्रो लिख सकते हो. तो सबसे बेस्ट इंट्रो पे लिख सकते हो कि इंडिया का स्टेटस. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर. तो यहाँ हॉर्टिकल्चर से मैं क्या मीन कर रहा हूँ? यार फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर्स, तीनों को इंक्लूड कर दो, दैट कंप्राइजेस ऑफ हॉर्टिकल्चर. तो अगर आप हॉर्टिकल्चर ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. फर्स्ट पे कौन है? चाइना इज फर्स्ट एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट. और अगर फ्रूट कल्टिवेशन की बात करें तो अगर आप यहाँ पे इस चीज को बात लिख सकते हो, फ्रूट की स्टडी और फ्रूट कल्टिवेशन इन दोनों पोमोलॉजी. तो बेसिकली इतनी दूर नहीं आना आपको, सिंपली आप इंट्रोड्यूस ऐसे कर देना कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द पहली पार्ट है क्वेश्चन की, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट कल्टिवेशन इन इंडिया. फ्रूट कल्टिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट कल्टिवेशन, एफ सी मीन्स फ्रूट कल्टिवेशन. फ्रूट कल्टिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फ्रूट्स है इंडिया की सॉइल, जो इंडिया क्लाइमेट और फ्रूट कल्टिवेशन को काफी सूट करता है, इसीलिए यहाँ पे हाई यील्ड होती है और उसके वजह से क्या होता है, हाई प्रॉफिट होता है फार्मर्स को. जैसे कुछ क्रॉप जैसे मैंगो है, मैंगो का तो ओरिजिन भी इंडिया में ही है. तो दिस सजेस्ट दैट इंडियन लैंड सूट्स द फ्रूट कल्टिवेशन एंड वी कैन अर्न हाई प्रॉफिट्स थ्रू फ्रूट कल्टिवेशन. अगर आप एक किलो, अगर आप राइस को कंपेयर करो, राइस के प्राइसेस को और फ्रूट के प्राइसेस को, यू विल वेरी सरप्राइज टू नो दैट फ्रूट प्राइसेस आर मेनी टाइम्स हायर देन द सीरियल प्राइसेस. सो प्रॉफिट अधिक होती है फ्रूट के. सेकेंडली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो काफी खुल सकती है फ्रूट की वजह से. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें कि हम लोग फ्रूट का आगे चल के उसमें प्रोसेस वगैरह करके एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स जो करते हैं, उससे मतलब जूसेस की हो गई या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की, जैसे मैंगो जूस हो गई या फिर एप्पल जूस हो गई, काफी टाइप्स के ये चीज हैं. फिर हम इसको जेली, जैम ये सब में भी यूज कर सकते हैं. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी काफी हो सकती है. बैरन लैंड का यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्शन के लिए. जो भी बैरन लैंड जहाँ पे की क्रॉप्स यूटिलाइज नहीं हो रही है, नॉर्मल क्रॉप्स जो सीरियल क्रॉप्स नहीं हो रही है, वहाँ कुछ फ्रूट क्रॉप्स को हम लोग यूज कर सकते हैं. सच एज जैसे बेर हो गया, फलसा हो गया, या फिर यू कैन से गुआवा. गुआवा इज ऑल्सो गुड फॉर कल्टिवेशन इन बैरन लैंड्स. सो ये सारी जो फ्रूट्स हैं इसको आप थोड़ी सी अगर इसकी अच्छी वराइटीज मिल जाए, उस टाइप की डेवलप्ड वराइटीज विच आर बेस्ड ऑन बैरन लैंड्स, तो दिस कैन बी प्रोड्यूस नाइसली. एक्सपोर्ट्स, फ्रूट कल्टिवेशन से हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इंडियन फ्रूट मार्केट, इंडियन फ्रूट्स की जो है फॉरेन मार्केट्स में काफी डिमांड है. चाहे वैरायटीज ऑफ मैंगो हो गए, फॉर एग्जांपल अल्फोंसो, यू ऑल नो दैट देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ अल्फोंसो इन ग्लोबल मार्केट्स. सो इंडिया
काफी एक्सपोर्ट कर सकता है फ्रूट कल्टीवेशन से. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस, और भी इम्पोर्टेंस है वो मैं से डिस्कस कर, वो हम डिस्कस करेंगे. लेट मी रब फर्स्ट. और इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं हम लोग. इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेस फ्रूट कल्टीवेशन के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर को. हम लोग हमेशा बात करते हैं टू डाइवर्सिफाई अवर एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग क्या सेरल बेस्ड अधिक है. तो अगर फ्रूट कल्टीवेशन उसमें आती है, हॉर्टिकल्चर आती है, हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स में एग्रो हॉर्टिकल्चर को इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वी एग्री सिल्वी हॉर्टी सिस्टम्स हो गए जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इंक्लूड करें. सो दिस कैन हेल्प इन दिस डाइवर्सिफिकेशन. न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है फ्रूट्स का. बचपन से हमें सीखा जाता है कि फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड इट इज क्वाइट करेक्ट. तो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस जो है हमारे फ्रूट्स का काफी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस काफी फ्रूट्स का. तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट कल्टीवेशन इन इंडिया. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है, हॉर्टिकल्चर रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन पॉवर्टी एलिवेशन. तो पॉवर्टी एलिवेशन में हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है, वी विल सी इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है हम लोग खोल सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. जिससे क्या हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो स्पेशली अगर रूरल एरियाज में खुलती है तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट होगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो सस्टेनेबल इनकम आएगी वर्कर्स पे, और उससे पॉवर्टी हमारा ठीक होगा. तो दिस कैन बी डन. सेकेंडली इनकम टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इनकम बढ़ेगी हमारे किसकी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की. SNM means small and marginal farmers. जैसे देखो सेरल क्रॉप्स जो अगर मान लो स्मॉल पीस ऑफ लैंड है और सेरल क्रॉप्स वहाँ पे ठीक से उगाने मुश्किल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप फ्रूट्स क्रॉप्स होगा, मैंगो होगा, गुआवा होगा, गुआवा के कुछ प्लांट्स लगा दो, पपाया लगा दो. सो दिस थिंग कैन हेल्प इन इनकम एलिवेशन, इनकम उससे बढ़ सकती है. एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स को हम फ्रूट, जैसे मैंने बात की एक्सपोर्ट्स काफी अधिक डिमांड है अल्फोंसो वगैरह की, तो एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेगी तो हमारी क्या ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा तो हम लोग अधिक वेलफेयर मेजर्स ले पाएंगे और उससे भी हमारी प्रॉपर्टी एलिवेट होगी. सबसे नेक्स्ट, वी कैन डू प्रोडक्शन ऑल अराउंड ईयर. लेट मी रब दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. हम लोग ऑल अराउंड ईयर प्रोडक्शन कर सकते हैं. जैसे देखो जैड क्रॉप्स है, फ्रूट्स जनरली जो आते हैं, मतलब फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वेजिटेबल्स किस में आते हैं, फ्रूट्स तो नहीं वेजिटेबल्स जनरली किस में, जैड क्रॉप्स में आते हैं. तो अब जैड क्रॉप्स में क्या होता है, ऐसे भी कुछ आप राइस वीट तो लगा नहीं रहे हो, तो अगर जैड क्रॉप्स में अच्छे से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाते हैं तो ऑल अराउंड ईयर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे अधिक इनकम होगी. प्लस फ्लोरिकल्चर, देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ फ्लावर्स इन अर्बन एरियाज. तो अगर हमारी स्मॉल पीस ऑफ लैंड भी उसमें फ्लोरिकल्चर करते हैं तो इट कैन बी गुड, क्योंकि इसका डिमांड कहाँ है, अधिक अर्बन एरियाज में. सो दीज आर द सम ऑफ द रीजंस थ्रू विच सम ऑफ द सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें से हम पॉवर्टी एलिवेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, द व्हाट इज द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स, इट हेल्प अस टू डाइवर्सिफाई ईटिंग हैबिट्स. जनरली जो हमारे ईटिंग है वो किस पे अधिक बेस्ड है, सेरल्स पे, राइस होगी, व्हीट होगी. तो अगर हम लोग फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अगर इन सब चीज को अपने ईटिंग हैबिट्स में लाते हैं तो इट हेल्प अस टू डाइवर्सिफाई अवर ईटिंग हैबिट्स. सेकेंडली फ्रूट्स की बात कर दो, यहाँ पे आप वेजेस की बात कर दो, तो उसे डाइवर्सिफाई होता है. सेकेंडली बैलेंस डाइट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. इफ यू वॉन्ट टू हैव अवर बैलेंस डाइट, तो जो अब हमारे फ्रूट्स है वेजिटेबल्स वो इंपॉर्टेंट है. विटामिन की हो गए, मिनरल्स हो गए, सबके अच्छी सोर्स है हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एक्सेट्रा. तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स. विटामिन ए आप देखोगे, विटामिन ए यू कैन इजिली फाइंड, विटामिन ए मैंगो में अधिक होता है. विटामिन बी यू कैन फाइंड इन एप्पल, बनाना, एप्पल एंड बनाना, और काफी सारे कैसुए वगैरह में भी काफी होता है विटामिन बी. विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें होता है. तो इससे क्या होता है, काफी सारे हमारी जो विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू फाइट डिजीज.
तो डिजीज रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में ये लाता है, डिजीज से बचाता है हमें। मेनी फ्रूट्स विच आर वेरी गुड इन डिजीज सच एज की पपाया की बात कर ले हम, तो पपाया इज वेरी गुड फॉर नाइट ब्लाइंडनेस बिकॉज इट इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। पपाया को विटामिन ए में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट अगर आप सिट्रस फ्रूट्स की बात कर लो तो डायरिया में ये काफी हेल्प करती है, इट हेल्प्स टू रिलीव आवर डायरिया। एनोला हो गया, एनोला इज वेरी गुड इन डाइजेशन, डाइजेशन काफी हेल्प करती है। तो देर आर मेनी फ्रूट्स विच हैव वेरी मच डिजीज रेजिस्टेंस, काफी ज्यादा डिजीजेस से बचाती है हमें, डिजीज को फाइट करने में हेल्प करती है। सो दीज आर द सम ऑफ द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर ली, पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर ली, कैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कराते हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स की तो बात कर ली। सो वी हैव डिस्कस्ड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द सेशन। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज द लैपटॉप इज नॉट अवेलेबल, कुछ दिनों तक लैपटॉप मानने देगा, और प्लस जब भी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे थोड़ी नॉइस की प्रॉब्लम है, तो यू विल बी हियरिंग सम हॉर्न्स और गाड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी जैसे भी पार हुई। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट वी विल बी कमिंग हार्ड। अगले महीने में हम लोग ये सारी चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट अभी बंद करने से क्लासेस मेरे एक माइंड में था कि बंद कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स है, बट बंद करने से आप कुछ भी नहीं सीखोगे, इससे अच्छा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ रहता हूँ, कुछ तो हम लोग सीख ही लेंगे इससे। सो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाए। तो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत से भी वीडियोज बना रहा हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।